दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। इस क्लिप का टाइटल देख के कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, अनोखा सा नहीं लग रहा, कुछ विचित्र सा नहीं लग रहा? ऐसा नहीं लग रहा कि अंधविश्वास वाली चीजें हैं ये? देखिए, मैं जो क्लिप्स दे रहा हूं इनके पीछे कुछ ना कुछ सार सत है अवश्य। और मैं बार बार कहता हूं, देखिए, कि अगर कोई चीज झूठ होती, कोई चीज फेक होती, कोई चीज मात्र अंधविश्वास होती तो वैनिश हो गई होती, अब तक वैनिश हो गई होती, मगर ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ, जितने भी परसेंट हो, 1% हो, 2% हो, कुछ ना कुछ है जरूर इस विधा में, इस अकल्ट साइंस में, इस रहस्यमय विद्या में। ये अपने में ही रहस्य है, इसी को ही कोई नहीं जान पाया आज तक। तो इस जो इसके इसकी डेफिनेशन, इसके इसके रहस्य कितने अंदर इसके भरे हुए हैं, इसके रहस्यमय सब्जेक्ट, इसके विषय वस्तु, तो यही नहीं हम आज तक ठीक से एनालाइज कर पाए। तो कैसे कहें कि हम अंधविश्वास है इन सब चीज़ों को? देखिए, मैं लंबा विषय नहीं करूँगा। मैंने बताया ना, बहुत कुछ बोलने के लिए है। ये निश्चित है, देखिए, कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसका असर उसके चाल ढाल पे पड़ता है, सत्य है बिल्कुल ये। और जो चाल ढाल है उसकी, उसका अक्स उसके जूते में आ जाता है। तो ऐसे शीर्ष हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्यक्ति का जूता देख के, उसका घिसने का स्टाइल देख के, उसके फटने का स्टाइल देख के, उसके शेप से, उसके रंग रूप से व्यक्ति के संबंध में बहुत सारी बातें बता सकते हैं, अनेकों बातें बता सकते हैं। उसका व्यवहार कैसा है, चिड़चिड़ा है, मस्त है, डिप्रेशन में है, अवसाद में है, या बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं कोई एक्टिविटी नहीं है, इलिटरेट है, लिटरेट है, मोटा है, पतला है, बलिष्ठ है, रोगी है, अस्थिर मानसिकता वाला है या स्थिर मानसिकता वाला है, अपने जीवन में वो कितना प्रैक्टिकल है, कि अपने जीवन में वो कितना इम्प्रैक्टिकल है। ऐसी एक तो नहीं है, सैकड़ों चीज़ें जो व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित, उसके करैक्टरिस्टिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट हो सकती हैं अगर व्यक्ति का जूता पहना हुआ, चप्पल या सैंडल कुछ भी हो, किसी को दिखा दिया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को जो इन सब शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, जानकार हो। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल काम किए, आपने मुझे उन्होंने मुझे जूता दिखाया, मैंने बता दिया क्या व्यक्ति इस नेचर का है। वास्तव में ऐसे ही हुआ, उसका जूता बाएं से घिस रहा है, उसका जूता, उसका जो हील है वो दाएं से घिस रही है, सेंटर से घिस रही है, एक साइड में ज़्यादा घिस गई, तो बिल्कुल उसकी एक साइड में उसका अंगूठा ज़्यादा निकला हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, सैकड़ों चीज़ें इसको क्लब करके। और इससे विचित्र बात ये कि जूते चप्पलों से अनेक उपाय, अनेक टोटके किए जाते हैं, अनेकों टोटके किए जाते हैं। शकुन अपशगुन में इसको बहुत माना गया है, ये भी सत्य है। पहले आप अगर पुराने लेडीज, पुरानी महिलाएं, ये पुराने लोग जो रूढ़ीवादी उसमें मानते थे परंपराओं को, कहते थे ना कि घर में जूता आया और जूता उलट गया, जूता पलट गया, जूते के ऊपर जूता चढ़ गया, जूता एक जूता अलग हो गया, एक जूता कहीं दूसरी जगह हो गया। आज भी मान्यता है कि मंदिर से जूता चोरी नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना कि चोरी हो गया तो बहुत बड़ा अपशगुन है, ये मानते हैं इस चीज को, मगर मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर मंदिर से, किसी धर्म स्थल से कोई भी हो, अगर जूता चोरी होता है तो ये मानिए कि आपके दुर्भाग्य का पलायन हो रहा है, मैं इस चीज को मानता हूं। और ऐसा हुआ है, सत हुआ है ऐसा। मैं एक बहुत ही अनोखा, बड़ा ही विचित्र टोटका करवाता हूँ, मुफलिसी दूर करने का, गरीबी दूर करने का। जो फटेहाल व्यक्ति होते हैं और जो कहते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं, और वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कहीं उनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा। एक सरल सा उपाय आप भी करके देख सकते हैं इसको, अपने आप प्रैक्टिकल ही है, इसमें कोई कहीं कुछ लेना नहीं, कोई मंत्र नहीं है, कोई इसमें कोई पूजा नहीं करी, इसमें खटराग नहीं करना, कुछ इसमें एक टांग पे खड़े होकर मंत्र जाप नहीं करना है। तो एक जूता ले लीजिए, चप्पल ले लीजिए, सैंडल ले लीजिए, कोई भी हो घर में आपके, यूज्ड हो, अनयूज्ड हो, उसको मैक्सिमम यूज कीजिए, मैक्सिमम। अगर पॉसिबल हो तो सोते समय, जिस समय लेटते हैं बेड पे, तो भी पहनिए, दिन में, रात में, घर में, बाहर,
टॉयलेट में नहाते भी इवन गीला हो जाए तो सुखा लीजिए उसको, मैक्सिमम यूज कीजिए, महीने, दो महीने, चार महीने, छः महीने, साल, जितना भी जब उससे बिल्कुल थक जाए, होता नहीं जैसे बिल्कुल पस्त हो गया उससे, तब किसी भी दिन, कोई भी दिन एक्सवाइजेड, और अगर मान लीजिए आपको अपना जन्म का नक्षत्र मिल जाता है तब तो बहुत अच्छा है, उस नक्षत्र के दिन आप किसी कोई भी धर्म स्थल में जाएं, किसी भी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे कोई बाबा की किसी समाधि हो, चाहे कोई दरगाह हो, तो बस वहाँ चाहिए और जाके मंदिर के अंदर नहीं एंट्री करनी, मंदिर के बाहर से ही खड़े होके जूता उतारिए, और जूता उतारने के बाद में अपना जो भी ईष्ट है उसको हाथ जोड़ के, बिना हाथ जोड़े मन मन में प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरा जो मलेच्छ है, मेरा जो दलद्दर है, मेरा जो दुर्भाग्य है, मेरे पीछे जो अभिशाप लगा हुआ है, ये भगवान इससे मुझे मुक्ति दिला, और मैं तेरा कोटि कोटि तेरा धन्यवाद करूँगा, मुझे इससे मुक्ति दिला प्रभु। और वो जूता चप्पल जो भी पहन के गए थे आप, वहाँ छोड़ दीजिए चुपके से, कोई देखे नहीं, चुपके से बहुत सारे काम होते हैं, और बिना पीछे मुड़े चुपके से घर वापस आ जाइए, और घर वापस आके हाथ पैर मुंह धोइए अपने, और फिर जो रूटीन है अपने उसमें लग जाइए आप, इतना सा मात्र, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। एक दोस्तों, मैं, मुझे याद आ रहा है, एक मैं टोटका करवाता था, जो ड्रिंकर्स हैं, हैवी ड्रिंकर्स हैं, हैबिचुअल ड्रिंकर्स हैं, जो एडिक्टेड है, एडिक्शन है जिनमें ड्रिंक्स का, ये कोई भी एडिक्शन किसी भी चीज़ का, चाहे वो सिगरेट का एडिक्शन है, चाहे वो गुटखे का एडिक्शन है, चाहे वो चरस का है, चाहे हैश का है, कुछ भी नशा है, कुछ भी विकार है, वो व्यक्ति कभी, मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति में आता है कि बहुत ज़्यादा ड्रंकन है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अपने होश में नहीं है, और आके आपने देखा ना, अक्सर ऐसा कई बार होता है कि आया और वो पढ़ के लेट गया, सो गया पढ़ के, है ना, इसको होश ही नहीं होता, इतना बेहोश होता हो जाता है, इतना टल्ली हो जाता है वो, तो अगर कभी कोई ऐसा अवसर आए और वो उसका जूता, एक, दोनों नहीं, एक जूता, कोई भी अकस्मात ऑल ऑफ सडन पलट जाए, आपको पलटाना नहीं है, या आप उसको इंटेंशनली आप पलट, उसको उलटा कर रही हैं, अकस्मात अगर पलट जाए, उसको लेटते ही उस जूते को उठा लीजिए, उसको अप्रॉक्सीमेट वेट कीजिए, उसका एक भार लगभग लीजिए कि इतने भार का होगा, उतने भार का आप आटा लीजिए, और उसी समय तत्काल एक रोटी, दो रोटी, जितनी भी बना सकते हैं रोटी बनाइए, उसमें चीनी मिलाइए, शुगर, चीनी, बताशा, जो भी कुछ मिलता है वो मिलाइए, और इस रोटी को जो आदमी लेटा हुआ है, टल्ली है बिल्कुल, उसके सर से पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारिए, जैसे नज़र उतारते ना, ऐसे नज़र उतार के वारिए, और ये जूता अपने ले जाके बाहर, अगर आपका सहन है, आंगन है, या घर के बाहर आपका जो भी सुविधा है, यानी कि अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, और उस जूते को जोर से पटकिए, जैसे होता है पटक के किसी को बिल्कुल हिकारत की दृष्टि से, जैसे बहुत नफरत कर रहे हो, उसको ऐसे ऐसे मारिए, जमीन पे मार के पलट दीजिए, और उस पर थूकिए, उस पर पैर रगड़िए, और अपने अंदर आ जाइए, और कुछ नहीं करना फिर, क्योंकि रात्रि काल में करना है, देर रात्रि काल में करना है ये, और नेक्स्ट डे जिस समय जूता उठाएं आप, तो उठाने के बाद में उसको अंदर, पुनः अंदर ले आइए, फिर हाथ पैर वगैरह धो लीजिए, और जो भी अपना रूटीन है, जो भी अपना काम कर रहे हैं आप, उस काम में अपना लग जाइए आप। ये रोटी है ना जो आपने बनाई मॉर्निंग में, इसको किसी जानवर को खिला दीजिए आप, कुत्ते को खिला दीजिए, और खिलाने के बाद में भूल जाएंगे उसको, अगर वो नहीं खाता रूखी रोटी होगी तो, आजकल जानवरों के भी थोड़े से मिजाज हैं, वो थोड़ा सा उसमें घी लगा लीजिए, दूध में डिप कर लीजिए, उसको तर कर लीजिए दूध से, उसको खिला दीजिए, बस इतना समाप्त करना है। देखिए, नज़र लगने के, बच्चों के, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कहते हैं ना, नज़र लग गई, खाना हजम नहीं हो रहा, कोई बुखार हो गया, कोई मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, शरीर बड़ा गिरा गिरा सा लग रहा है, तो मानते हैं कि नज़र लग गई किसी की। अगर कहीं ऐसा हुआ तो सेम यही प्रोसेस आप रिपीट कीजिए, उसी अपना जूता, अगर लेडी कर रही है, कोई महिला कर रही है घर की, कोई अच्छा हो, कोई बुजुर्ग महिला करे, घर की माँ हो, दादी हो, नानी हो, बुआ हो, अपना लेफ्ट पैर का जूता ले, चप्पल ले, कुछ भी हो, और व्यक्ति को बोल दे कि साइलेंट रहे,
बोले नहीं, उसको लिटा दीजिए, लेटे हुए पे रात्रि काल में करना है ये भी। उसके ऊपर से वही एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स वारिए और वार के इसको जैसे शराब के नशे में आदमी के व्यक्ति के लिए किया था, ऐसे इसको घर से बाहर फेंक दीजिए अपने आंगन में सहन में, और मॉर्निंग में इसको फिर उठा लीजिए। अगर आदमी कर रहा है तो वो राइट पैर का जूता ले अपने, सेम प्रोसेस यही करें। आप देखिए ये छोटे छोटे से टिप्स गोपाल राजू के, बिल्कुल इनका अगर इफेक्ट होगा तो एटॉमिक इसका रिएक्शन होता है, बिल्कुल एटॉमिक रिएक्शन। कहते हैं ना एक एक एटम के बराबर, अगर मान लीजिए छोटी से छोटी चीज, जैसे उस वो कहावत है सत्सैया के दोहरे, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो ये इनका तो इतना गहरा घाव होगा, इनका तो इतना गहरा असर होगा कि ये सब चीज़ों का धीरे धीरे पलायन होने लगेगा। ऐसे सैकड़ों टिप हैं दोस्तों, मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी सी बातें, वो बातें जो कहीं आपकी नज़रों में नहीं आई, कहीं आपने सुना नहीं, कहीं आपने पढ़ा नहीं, आपको अजूबा लगे, आपको अजीब सा लगे, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, और वही मेरी रिक्वेस्ट कि अगर अच्छे लगते हैं टिप्स वाले तो प्लीज़ यूट्यूब में इनको सब्सक्राइब करें दोस्तों।